चरण सुखदाई रे भज मन, राम चरण सुखदाई रे भज मन, राम चरण सुखदाई रे भज मन, राम चरण दोस्तों। मैं दुर्गेश नगर आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही भावपूर्ण गीत, बहुत क्लासिकल भजन, प्योर क्लासिकल भजन राग दरबारी पर जो आधारित है, भजमन रामचरण सुखदाई। और यही भजन मैं आज ही आपको क्यों बता रहा हूं, काफ़ी पुरानी डिमांड है आप लोगों की। हमारे चैनल से कई सारे मित्र जुड़े हुए हैं जिनमें निरंजन शर्मा जी, दामोदर स्वामी जी और भी कई सारे मित्रों ने इस गीत की डिमांड की थी, काफ़ी पुरानी डिमांड है। तो फाइनली इस पर आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी रामनवमी भी आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ श्रृंखला भगवान श्री रामचंद्र जी के भजनों पर केंद्रित रहे, तो उन्हीं के अच्छे अच्छे भजन आप लोगों तक मैं पहुँचाता रहूँगा। बीच में भी और भी जो संगीत है, क्लासिकल संगीत और जो राग से संबंधित जो बातें हैं, गले से संबंधित जो जानकारी है, वो भी आपको देता रहूँगा, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। और फाइनली ये जो भजन है इसमें जो आलाप है वो भी आपको बताऊँगा नोटेशन के साथ में, और लास्ट में ताल के साथ भी इसको मैं दो अंतरे गा के बताऊंगा आपको, ताकि आपको पूरा फ्लो समझ में आए और ताल में आलाप कैसे लेना है वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी मैं उस पेज पर भी मैं संगीत संबंधी जानकारी पोस्ट करता हूँ, वीडियो वगैरह डालता हूँ और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं संगीत से संबंधित वो आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो अभी नया पेज है, आप चाहे तो पेज को लाइक कर सकते हैं, उसके लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और जो लोग नए हैं जिन्होंने चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है, आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। यदि आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो जब भी आप कमेंट करेंगे तो आपके नाम के आगे ऐसा सिंबल आएगा जो अभी वीडियो में आ रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चैनल के मेंबर हैं। तो जो भी आप सवाल करेंगे, जो भी आप कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो से संबंधित जो भी आपको डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा, और आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं, और यदि आप मुझसे लाइफ टाइम के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 1100 रुपये पे करके आप लाइफ टाइम के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको लेशन भेजता रहूँगा ताकि आप घर पर प्रैक्टिस कर सकें कौन सा लेशन आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको लेशन भेजता रहूँगा और आपको सपोर्ट करता रहूँगा। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचानी थी, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो भजन लिया है मैंने रामचरण सुखदाई, ये इसलिए लिया है क्योंकि अभी रामनवमी भी आने वाली है, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये भजन बहुत ही फेमस भजन है, प्योर क्लासिकल भजन है। इस पर अभी कोई ट्यूटोरियल नहीं बना है और बहुत सोलफुल है, क्योंकि मैं चीज़ें सर्च करता हूँ, जो भी सोलफुल होती है आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो सोलफुल भजन में से एक भजन ये है जो राग दरबारी पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले राग दरबारी का चलन देख लेते हैं, राग दरबारी का चलन क्या है। वैसे बहुत सारे भजन मैंने राग दरबारी में आपको बताए हैं, तो राग दरबारी थाट आसावरी पर आधारित है, तो गाधानी कोमल इसमें प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आपको थाट आसावरी की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है यदि आप बिगनर हैं तो, और यदि आपको राग पता है तो राग दरबारी के स्वर का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो सिंपल मैं आपको पहले थाट आसावरी के स्वर बता देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। जो इसके ले रहा हूँ वो अभी शीशार्ध है। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो सबसे पहले आप थाट आसावरी की प्रैक्टिस कर ले ताकि आपकी फिंगर सेट हो जाए, गले में स्वर बैठ जाए। उसके बाद में आइए आलाप के स्वर देख लेते हैं राग दरबारी के। सिंपल स्वर है, पहले भी कई सारे भजनों में आपको बताए हैं। सारे इधर पे रुकना है, ये स्वर है आपको स्क्रीन पर मैंने दे दिए हैं, आगे देखिए। स्वर देख लीजिए, सारे नि साधनी रे, आगे देखिए। सारे पाग बहुत इजी आपको स्वर बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत इजी हो सीखने में।
ये जो स्वर हैं, ये जो स्वर समूह जो आपको बता रहा हूँ, ये कॉमन हैं जो सभी में प्रयोग आप कर सकते हैं। बाकी बहुत सारा विस्तार है राग दरबारी का, लेकिन ऐसे स्वर समुदाय आपको बता रहा हूँ जो मेन अंग है राग दरबारी में प्रयोग किया जाता है। बाकी इसके अलावा और भी आप विस्तार कर सकते हैं। चूँकि मैं राग आपको नहीं सिखा रहा हूँ, आपको भजन सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने स्वर विस्तार वही दिए हैं जो बहुत ईजी हैं, आप आराम से कर सकें। आइए आगे देखते हैं, जैसे देखिए इसको। सारे पागल मारे सा, आगे देखिए। पामा पागल मारे सा, ये इसमें स्वर है। तो ये आप सब आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग में अलाप के द्वारा। आइए इसके बाद में दोहा देख लेते हैं, चाहे तो आप दोहा भी प्रयोग कर सकते हैं। राम नाम मणिदीप धरूं, सानी धनी रे सा। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह दे हरि द्वार। सारे गामा पा भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। सानी धनी सा, आइए फ्लो में देखिए दोहे को। राम नाम मणिदीप धरूं, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, मैंने आपको नोटेशन बता दी है और बजाने का अंदाज आप वीडियो में देख सीख सकते हैं। आइए इसके बाद में भजन शुरू करना है। पहले देखिए, राम चरण सुखदाई रे भज मन, जैसे शुरू करना है। राम चरण रे 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 गर सा, सुखदाई रे पागा रे भज मन। मारे मारे सानी, पूरा देखिए। राम चरण सुखदाई रे भज मन, रे 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 गर सारे पागा मारे सानी। राम चरण सुखदाई नीरे सानी धनी सा। फिर से देखिए, राम चरण सुखदाई रे भज मन, राम चरण सुखदाई। नोटेशन देखिए, रे रे गरे सारे पागा मारे सानी, नीरे सानी धनी सा सा। ये इसकी नोटेशन है। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जिन चरणन से जिन चरणन से निक सी सुर सरी, जिन चरणन से निक सी सुर सरी। माँ पधनी सा सा सारे निसा। फिर से देखिए, जिन चरणन से निक सी सुर सरी। फिर यहाँ से सेकंड लाइन, शंकर जटा समाई, जिन चरणन से निक सी सुर सरी। शंकर जटा समाई, नोटेशन देखिए। माँ पधारी सा सनी रे सनी धनी पा, जिन चरणन से निक सी सुर सरी। शंकर जटा समाए। इसके बाद चाहे तो आप अलाप ले सकते हैं।
स्वर देखिए, मा बधनी सा सानी धनी रे सा। आगे देखिए, इसके बाद में फिर से अंतर पकड़ना है। जिन चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। इसके बाद तीसरी लाइन देखिए, तार सप्तक की तीसरी लाइन, जटा शंकरी नाम परो है, जटा शंकरी नाम परो रे रे गसानी धनी सा, जटा शंकरी नाम परो है। सासे फिर माँ पे आ जाना है। त्रिभुवन तारण आई, त्रिभुवन तारण मा मा पानी पा, त्रिभुवन तारण आई, राम चरण सुखदाई रे भज मन, राम चरण सुखदाई रे भज मन, राम चरण सुखदाई रे भज मन, राम चरण। ओके, इस तरीके से आपको गाना है। आगे के जितने भी अंतरे हैं इसी नोटेशन पर आपको गाना है। आइए एक दो अंतरे आपको ताल के साथ बता देता हूँ, और ताल में अलाप कैसे लेना है आपको वो भी आपको बताता हूँ। राम चरण सुखदाई रे भज मन, राम चरण सुखदाई रे भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुर सरी, जिन चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा Thank you।
भरत रहो मरलाई, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहो सकते हैं, जो राग दरबारी पर आधारित था। मैंने आपको अलाप भी बताए हैं और इसकी नोटेशन भी और ताल के साथ भी फाइनली गा के बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप इसको शामिल करिए अपनी गायकी में, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो संगीत है सॉल्टफुल संगीत जन जन तक पहुँचे। अगले वीडियो में नए अंदाज में नई जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, सभी को जय श्री राम।